हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डायलिसिस स्टडी चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है कि हम अपने आरओ प्लांट में बैकवॉश, रिंस और रीजनरेशन, ये प्रक्रिया प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, उन चीज़ों को हम आज आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आरओ प्लांट क्यों ज़रूरी है हमारे डायलिसिस के लिए। चूँकि डायलिसिस करने के लिए हमें अल्ट्रा प्योर वाटर की ज़रूरत होती है, जिसमें वो मिनरल्स भी बिल्कुल ज़ीरो हों और बैक्टीरियल कंटामिनेशन या उस तरह की चीज़ें भी बिल्कुल ज़ीरो हों। यहाँ पर हमें इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, वाटर को मिनरल्स फ्री बनाने के लिए और बैक्टीरियल कंटामिनेशन को भी ज़ीरो तक ले जाने के लिए आरओ प्लांट उपयोग किया जाता है, ताकि डायलिसेट बनने के समय हमारा कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ मैच हो और पेशेंट को हम अच्छी डायलिसिस दे पाएँ। देखिए, आरओ प्लांट में नंबर ऑफ़ फिल्टर कितने हैं, ये डिपेंड करता है आपके उस लोकेशन की वाटर क्वालिटी के ऊपर। कुछ प्रायः कुछ जगहों पर देखा जाता है कि कहीं पानी आपका ग्राउंड वाटर कैल्शियम रिच है, कहीं आयरन रिच है, कहीं पानी में कुछ और इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं। तो जिस तरह की इम्प्योरिटी पानी में मौजूद होती है, उसके अनुसार इन फिल्टर्स का नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है। जनरली एक एक फ़िल्टर यूज़ होते हैं सेंटर्स पे, लेकिन अगर कहीं पे पानी में ज़्यादा मड आ रहा है, कीचड़ आ रही है, मिट्टी ज़्यादा आ रही है, वहाँ पर सैंड फिल्टर डबल किया जाएगा, ताकि हम पानी में उन पार्टिकल्स को अधिक छान सकें। और अगर आपके यहाँ पे म्यूनसिपल वाटर की सप्लाई है, जहाँ पे पानी में क्लोरीन की मात्रा मिली होती है, तो ऐसे पानी को प्यूरीफाई करने के लिए कार्बन फिल्टर को डबल कर देते हैं, ताकि पानी से मैक्सिमम क्लोरीन और क्लोरामाइन निकाले जा सके। सेकंड फिल्टर पे हम थर्ड फिल्टर पे आते हैं। अगर आपके पानी में हार्डनेस ज़्यादा है या कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम सॉफ्टनर फिल्टर को डबल कर सकते हैं। तो ये डबल फिल्ट्रेशन से वो इम्प्योरिटी अच्छे से निकल जाएगी। और कुछ जगहों पर अगर आयरन कंटेंट ज़्यादा है, तो उसके लिए आयरन फिल्टर भी लगाया जाता है, उसकी संख्या भी उस जगह पे पानी में मौजूद आयरन की मात्रा के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम आते हैं यहाँ पे इन चीज़ों को कैसे यहाँ पे प्रैक्टिकली करना है। ये हमारा सैंड फिल्टर है। सैंड फिल्टर में यहाँ पर ये मल्टीपोर्ट वाल लगा हुआ है। इस वॉल में आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन तरह के नाम लिखे हुए हैं, एक सर्विस, इधर रिंस और ये नीचे यहाँ पे बैकवॉश। करना हमें बस ये होता है कि वाटर सप्लाई ऑन करनी है, पोर्ट वॉल को घुमाना है क्लॉकवाइज। हम इसे घुमाकर बैकवॉश मोड पे ले जाकर ड्रॉप कर देंगे, और जैसे ही वाटर सप्लाई ऑन होगी, इस फिल्टर का बैकवॉश शुरू हो जाएगा। जनरली बैकवॉश का सैंड फिल्टर को 10 से 15 मिनट देने की ज़रूरत होती है। 10 से 15 मिनट बैकवॉश देने के बाद अब इसे रिंस मोड में डालना पड़ेगा। तो रिंस मोड में कैसे डालेंगे, इस मल्टीपोर्ट वाल को वापस ऊपर की ओर प्रेस करके घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और रिंस मोड पे ले आकर छोड़ देंगे। मोड में भी मशीन को 10 से 15 मिनट तक रखना है। ये समय ड्यूरेशन आपके यूनिट के प्रोटोकॉल के अनुसार अलग अलग हो सकता है, आपको अपने यूनिट का प्रोटोकॉल फॉलो करना है। हम देखिए, सैंड फिल्टर, चूँकि हमारी सैंड फिल्टर का काम होता है पानी में मौजूद डस्ट पार्टिकल, सॉयल पार्टिकल, सैंड पार्टिकल या क्ले, जो भी मिट्टी या मिट्टी के जैसे कण हैं, उन्हें छानना। तो सैंड फिल्टर में जनरली इस तरह की इम्प्योरिटी जमा हो जाती है। इन इम्प्योरिटीज़ को वॉश करना नेसेसरी है, नहीं तो ये इम्प्योरिटी आगे बढ़ेगी, आगे की फिल्टर्स में जाएगी और फिर धीरे धीरे वो मेम्ब्रेन्स तक बढ़ सकती है। तो इसीलिए हमें डेली बेसिस पे इन फिल्टर्स को बैकवॉश और रिंस करना चाहिए। जनरली सैंड फिल्टर है, 10 से 15 मिनट आप उसको बैकवॉश करेंगे, और 10 से 15 मिनट बैकवॉश करने के बाद फिर 10 से 15 मिनट आप उसको रिंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिल्टर पे ये कार्बन फिल्टर आप देख रहे हैं। कार्बन फिल्टर क्लोरीन और क्लोरामाइन पार्टिकल्स को रिमूव करता है। इसके भी मेंटेनेंस का प्रोसेस सेम है जैसे सैंड फिल्टर का होता है। यहाँ भी आपको बैकवॉश और रिंस ही करना होता है। बैकवॉश रिंस करने के लिए ये मल्टीपोर्ट वाल्व में वैसे ही निशान बने हुए हैं, बस हमें इस वाल्व को
रोटेट करना है। रोटेट करके अगर हम इसको बैकवाश मोड पे डाल देंगे तो ये बैकवाश प्रोसेस में चला जाएगा। 10 मिनट बैकवाश होगा और 10 मिनट बैकवाश होने के बाद फिर वापस फिल्टर को घुमाकर हमें 10 मिनट रिंस करना होगा। जब हम वापस फिल्टर को चेंज करेंगे, घुमाएंगे, तो अपने प्लांट को ज़रूर ऑफ़ कर लेंगे या आपका ये रॉ वाटर का मोटर है इसे ज़रूर ऑफ़ करेंगे। जब भी हम मल्टीपोर्ट वाल्व को घुमाएंगे ये मोटर ज़रूर ऑफ़ करना है ताकि प्रेशर एडजस्ट हो सके। 10 बाद फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए इसे हम रिंस मोड पे ले जाएंगे। नेक्स्ट फिल्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फिल्टर है सॉफ्टनर फिल्टर। इसका काम है पानी में मौजूद हार्डनेस को रिमूव करना। हार्डनेस क्या होती है? पानी में मौजूद होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसके फॉस्फेट सल्फेट तो या कार्बोनेट्स। तो पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट या फॉस्फेट मिनरल्स जो हैं इसे रिमूव करने का काम हम सॉफ्टनर फिल्टर के द्वारा करते हैं। सॉफ्टनर फिल्टर के काम करने का एक स्पेशल मैकेनिज़्म है जिस मैकेनिज़्म को बोलते हैं आयन एक्सचेंज मैकेनिज़्म। ये आयन एक्सचेंज मैकेनिज़्म काम कैसे करता है उसके लिए आपको डिटेल वीडियो एक अलग मिलेगी, मैं यहाँ जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये आयन्स का एक्सचेंज करता है। इसके प्रोसेस में हम इस फिल्टर के अंदर नमक का घोल अंदर जाएगा, उसे कुछ देर स्थिर किया जाता है, अंदर जो रेजिन है वो एक्टिवेट होते हैं। रेजिन एक्टिवेट होने के बाद वो अपने ऊपर ये नमक के पार्टिकल्स यानी सोडियम क्लोराइड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये सॉफ्टनर फिल्टर में इसके मेंटेनेंस का काम करने के लिए यहाँ पर बैकवॉश नहीं होता, यहाँ पर आपको रीजनरेशन मोड मिलेगा और उसके बाद रिंस मोड मिलेगा। पहला मोड रीजनरेशन, दूसरा मोड रिंस। तो रीजनरेशन करने का प्रोसेस करने के लिए हमारे पास यहाँ एक ब्राइन टैंक सॉल्यूशन होता है। ब्राइन टैंक यानी नमक का घोल बनाते हैं हम। ये कितना परसेंट सॉल्यूशन बनाना है या कितने लीटर पानी में कितना नमक मिलाना है ये अपने सर्विस प्रोवाइडर से आप जानकारी ले सकते हैं। ये डिपेंड अपॉन आपके इस वेसल की कैपेसिटी पे होता है और डिपेंड अपॉन मीडिया होता है। तो ब्राइन टैंक से ये ब्राइन या नमक का घोल एब्जॉर्ब करता है बैक व रीजनरेशन मोड में। इसके लिए आपको फिल्टर को रीजनरेशन मोड में डालना पड़ता है। तो फिल्टर को आप रोटेट करते हुए रीजनरेशन मोड पे ले आकर कर छोड़ देंगे। रीजनरेशन मोड में जाने के बाद आपको ये प्रेशर वाल्व को एडजस्ट करना होता है ताकि ये ब्राइन सॉल्यूशन सक करना स्टार्ट करे। तो ये ब्राइन इस लाइन के थ्रू ये नमक का सॉल्यूशन ये फिल्टर जो है एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा और अपने रेजिन्स को एक्टिवेट करेगा। इसके अंदर जितने रेजिन्स जितने ब्राइन सॉल्यूशन को काम करना है वो काम करेगा और एक्सेस सॉल्यूशन हमें निकालने के लिए रिंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। रीजनरेशन करने के बाद रिंस करेंगे हम, और रिंस करने में इसके लिए फिर से हमने नॉब को घुमाइए वॉल्व को घुमाया है और रिंस मोड पे ला के रख दिया है। रिंस मोड पे डालने के बाद इस फिल्टर के अंदर वाटर सप्लाई शुरू हो जाएगी और जो एक्सेस सॉल्ट सॉल्यूशन है वो इस फिल्टर से आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने सॉफ्टनर फिल्टर का रीजनरेशन और रिंस करेंगे। थैंक यू।